यस कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर, यस यस सर, सर। ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट यू नो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ओके सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सिस्टम? सो एज यू नो द ओपन सिस्टम देयर इज अ हार्ट, देयर आर ब्लड वेसल्स, बट मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके उसके उसके अंदर कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं होता, बड़े बड़े ब्लड ब्लड वेसल होते हैं। तो हार्ट होता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो दैट हार्ट से जो ब्लड आता है ब्लड वेसल में, जो बड़े बड़े ब्लड वेसल होते हैं, एंड दैट फ्रॉम द लार्ज ब्लड वेसल्स दैट एंटर इन टू द ओपन साइनस, बिकॉज देर आर नो कैपिलरीज, कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है। सो फ्रॉम द हार्ट द ब्लड एंटर इन टू द लार्ज ब्लड वेसल, एंड फ्रॉम द लार्ज ब्लड वेसल इट एंटर इन टू द डायरेक्टली बॉडी कैविटी और बॉडी साइनस। ओके सो वट आर द वट एवर द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो भी होगा, नॉट नेसेसरी ब्लड ही है, अलग अलग भी हो सकता है, हीमोलिन भी हो सकता है। सो उसके अंदर जो बॉडी के ऑर्गन है दैट विल डायरेक्टली बाथ इन टू द सर्कुलेटिंग फ्लूइड, इजंट इट? यस सर, यस सर, ओके यस सर। तो ये क्लोज में क्या होता है कि क्लोज में ब्लड का जो पंपिंग हार्ट से होता है, एंड हार्ट से हो जाता है ब्लड एंड टू द ब्लड वेसल, एंड फ्रॉम द ब्लड वेसल बड़ा ब्लड वेसल इट एंटर इन टू द ब्लड कैपिलरीज। सो कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, एंड वेन के सॉरी ओपन के अंदर कैपिलरीज आर एबसेंट होते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर एग्जांपल्स की बात करें ना, yes, तो sir. जो एनिलिडा है, एनिलिडा उसमें मैक्सिमली है क्लोज सर्कुलेशन, लेकिन एनिलिडा में एक एग्जांपल होता है लीच या हिरुडिनेरिया, तो ये लीच या हिरुडिनेरिया में होता है ओपन सर्कुलेशन, अदरवाइज बाकी सब एनिलिडा में होता है क्लोज सर्कुलेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिलिडा, तो यू हैव टू आंसर द क्लोज सिस्टम, बिकॉज मोस्ट एनिलिडा में क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। ऑल आर्थ्रोपोडा में ओपन होता है, मोस्ट ऑफ द मोलस्का में ओपन होता है, हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन होता है। मोस्ट मोलस्क मतलब क्या कि मोलस्का के अंदर अलग अलग सब सॉरी क्लासेस होते हैं। एक एक क्लास होता है उसको बोलते हैं सिफेलोपोडा, एग्जाम्पल उसका ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस में या सिफेलोपोडा में सर्कुलेशन क्लोज है, और बाकी सब मोलस्क जो है उसके अंदर जो है ओपन सर्कुलेशन है, कॉर्डेट के अंदर ओपन सॉरी क्लोज सर्कुलेशन है। अंडरस्टूड? कॉर्डेट के अंदर क्लोज सर। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर, यस सर, यस सर। सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज। ओके ओपन एंड क्लोज। सो इधर क्या है, कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, कहां पे लिखा 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 नहीं लिखा। ओके कैपिलरीज आर एब्सेंट, मैं लिखता हूं इधर, कैपिलरीज आर एब्सेंट। इधर क्या होते हैं, कैपिलरीज आर प्रेजेंट। तो प्रिसाइज सॉरी प्रेजेंट, तो प्रिसाइज ब्लड फ्लो कहां पे होता है? प्रिसाइज ब्लड फ्लो, प्रिसाइज मतलब पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट, क्लोज्ड, क्लोज में होगा। यस सर। ओके सो देयर विल बी अ प्रिसाइज ब्लड सर्कुलेशन, प्रिसाइज ऑर्डर में। किसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्लोज को या ओपन को? क्लोज लगेगी, क्लोज को, क्लोज को। हाँ लेकिन ज्यादा एनर्जी चाहिए तो चलेगा, लेकिन वो प्रिसाइजली होगा। ओके प्रिसाइजली होगा। No precise,
and less energy. ज्यादा इफिशियंट कौन सा है, ओपन या क्लोज? ये होगा लेस एफिशियंट और ये होगा मोर एफिशियंट. क्या होगा? मोर एफिशियंट. मोर एफिशियंट. मोर एफिशियंट. ओके, तो इतना आपको क्लियर है क्या? ये स्लाइड वाला सबको क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. अगर क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो. वी कैन मूव द मूव अहेड नाउ. यस सर. यस. कमर फास. Have you understood? Yes, sir. Yes. देखो अभी आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं ना स्कूल वाले. ओके, लेकिन जो 24 तक हमारा लेक्चर चलेगा, हाँ, तो आपको 24 तक, बाद में एक हफ्ता मिनिमम मतलब शायद है आपको गैप है, उस टाइम आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं. लेकिन बोर्ड से भी इम्पोर्टेंट आपका नीट है. अंडरस्टूड? बोर्ड से भी इम्पोर्टेंट आपका नीट है. तो आपको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी लेक्चर है वो आपको लगाने हैं. देखो अभी 50 के अराउंड बच्चे आ रहे थे ना, 45 प्लस, तो अभी 7-8-10 बच्चे कम आ रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम है. लेकिन एग्जाम तो ये होते रहेंगे स्कूल वाले, आपको ये नीट पे फोकस करना होगा. ओके, तो इतना आपको सबको क्लियर. इधर एक एक पॉइंट मुझे लिखना है और आई वांट टू राइट वन मोर पॉइंट एंड दैट इज ये जो ओपन सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है ना उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? हीमोलिम बोलते हैं. इसका जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो क्या बोलते हैं, कॉल्ड या सर्कुलेटरी फ्लूड बोलेंगे, ब्लड नहीं बोलेंगे उसको. सर्कुलेटरी फ्लूड को क्या बोलेंगे? हीमोलिम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हीमोलिम. हीमोलिम सर्कुलेटरी फ्लूड. वो बोलेंगे हीमोलिम. और इधर सर्कुलेटरी फ्लूड क्या क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं. ब्लड बोलते हैं. ब्लड. ठीक है, ये इधर ब्लड लिखा है लेकिन दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज हीमोलिम. ठीक है, डन? यस सर. यस सर. ओके. यस सर. यस. ओके, तो ये था हमारा ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन. अभी हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स की. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल के तीन टाइप होते हैं. एक तो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. एक्चुअली ना और भी टाइप होते हैं लेकिन मेजर मेजर जो है ना वो तीन टाइप के होते हैं. आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी. दीज आर द मेजर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, तो एक एक की बात करेंगे. पहली बात, अगर आपको ये छोटा लग रहा है ना फॉन्ट, तो आप जूम कर सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर. गेटिंग? यस सर. हाँ. यस सर. तो ये अभी हम इसकी बात करेंगे. कैपिलरी, तो ये सबसे छोटी वाली होती है ना, तो फाइनेस्ट डायमीटर, सबसे पतली वाली होती है ये कैपिलरी, फाइनेस्ट डायमीटर. और वो सबसे थीन भी होती है. डायमीटर भी उसका कम होता है और सबसे थीन भी होती है, थीनेस्ट. और ये पता है आपको, ये कैपिलरी है सपोज, तो दैट इज लाइन बाय उसका जो वॉल है ना, कैपिलरी का जो वॉल है, दीवार है, वो किससे बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम. सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम. अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स. स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम जो ब्लड वेसल को है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? इसको ही बोलेंगे एंडोथेलियम. एंडोथेलियम हर बार नहीं बोलते. अगर ब्लड वेसल का एपिथेलियम है तो उसको एंडोथेलियम बोलते हैं. अंडरस्टूड?
इसको स्पेशली क्या बोलेंगे, स्पेशली एंडोथेलियम बोलेंगे, एंडोथेलियम बोलेंगे. हर स्क्वैमस एपिथेलियम को एंडोथेलियम नहीं बोलते. ओके, तो जो ब्लड वेसल का है उसको ही बोलते हैं एंडोथेलियम. अंडरस्टूड? तो ये ना इसका जो वॉल ना सबसे थिन होता है, आर्टरी और वेन से भी बहुत थिन होता है, क्योंकि आर्टरी में और वेन में तीन तीन लेयर होते हैं, लेकिन कैपिलरी के अंदर एक ही लेयर होता है, सिंगल, वो भी सिंगल सेल का होता है. तो उसका वॉल जो है ना एक्सचेंज करता है, मतलब को पता है कि ये अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दे देगा टिश्यू को, टिश्यू के अंदर से आएगा उसको CO2, ये आपको पता है ना. तो इसका मतलब मतलब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज भी आएगा, न्यूट्रिएंट भी आएगा, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहेंगे ना वो अंदर चले जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट. अंडरस्टूड? तो ये जो एक्सचेंज है बिटवीन द टिश्यू सेल्स एंड द ब्लड, तो ये दैट कैन टेक प्लेस अक्रॉस द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी. सो उसके वॉल जो है ना वो परमियस है, परमिसिबल है, परवियस वॉल है. कितना आपको क्लियर है? यस सर. यस सर. दिस इज अबाउट द वर्क, दिस इज अबाउट द ब्लड कैपिलरी. क्या क्या देखा हमने? कि थिनेस्ट है, फाइनेस्ट है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम या एंडोथेलियम से बनी है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, और इतना थिन है, इतना पतली है उसकी दीवार कि अक्रॉस दैट देयर इज द देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल. सो द वॉल that is the squamous epithelium endothelium is permeable, pervious. Is it clear? Yes sir. उसके बाद आया artery and vein. देखो artery और vein में क्या होता है कि आपको अगर पूछे कि बड़ा कौन सा होता है, artery बड़ी होती है, vein बड़ी होती है? Yes. कौन बड़ी होती है size में, artery या vein? Anybody? Artery. Actually ना अगर आपने बाहर से देखा, पाइप है ना, ये पाइप है, जैसे कि पानी की पाइप होते है, तो बाहर से देखा ना तो आर्टेरी और वेन का एक्सटर्नल डायमीटर सेम ही है, कोई भी पतली नहीं होगी, कोई भी मोटी नहीं होगी, सेम ही होगा बाहर से. लेकिन अगर अंदर से देखा, अंदर जो कैविटी है, ल्यूमेन है, तो वेन के अंदर वो बड़ा नाला है और आर्टरी के अंदर वो छोटा नाला है, क्योंकि उसका ल्यूमेन छोटा है. आर्टरी का ल्यूमेन क्या होता है, छोटा होता है, और वेन का ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है. बड़ा. तो बाहर एक्सटर्नल डायमीटर सेम है आर्टरी और वेन का, लेकिन इंटरनल डायमीटर आर्टरी का छोटा है और वेन का बड़ा होता है. तो वाइड ल्यूमेन होता है आर्टरी वेन का और नैरो ल्यूमेन होता है आर्टरी का. इज इट क्लियर? सिर्फ एक ही लेयर होता है, जो होता है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है, सिंगल लेयर, बिकॉज उसके अक्रॉस एक्सचेंज करवाना है मटेरियल का टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में जाने वाला है. अंडरस्टूड? लेकिन आर्टेरिया वेन्स का काम ऐसा नहीं है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल. तो दे हैव थ्री लेयर्स, तो कम से तीन लेयर ऐसे देखो कि जो सबसे बाहर वाला लेयर है ना उसको बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंशिया. मैंने टी लिखा है, आप देख सकते हो डायग्राम में मैंने टी लिखा है. तो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, और इनर मोस्ट लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा. इंटीमा भी बोल सकते हैं, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा भी बोलते हैं उसको, इंटीमा. अंडरस्टूड? तो इनर लेयर इज कॉल्ड एंटीमा. तो जो इनर लेयर है ना ट्यूनिका एंटीमा, तो वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बनता है. ओके, जैसे कि कैपिलरी बनी है. अंडरस्टूड? यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. अंदर का जो कोटिंग है ना वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम या एंडोथेलियम, तो उसको बोलेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, उसको भी बोलेंगे हम लोग एंडोथेलियम. तो उससे ही बना है, जैसे कि कैपिलरी का है, लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं है, उसके बाहर ट्यूनिका मीडिया है और उसके बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना है. तो एक्चुअली क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना का किसका बनता है, ये देखो, जो कोई भी चीज जो बाहर की होती है ना आउटर मोस्ट, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन. तो वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, वो टफ होना चाहिए. ओके,
तो आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ओके, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इतना ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्नल इज मेड अप ऑफ ट्यूनिका, एक्सटर्नल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो ट्यूनिका मीडिया है वो स्मूथ मसल से बना है, मसल से बना है, मस्कुलर लेयर है, और ट्यूनिका इंटरना तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दैट इज एंडोथेलियम से बना है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके सर, यस सर। हां, मतलब मैक्सिमम मसल्स जो होते हैं ना वो होते हैं ट्यूनिका मीडिया में, लेकिन फिर भी ट्यूनिका एक्सटर्ना में भी मसल्स होते हैं। तो हम आपको पता है कि दो तरह के मसल्स होंगे, एक तो सपोज ये ब्लड वेसल है आर्टेरिया वेन, तो अलोंग द लेंथ ऐसे मसल होंगे, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ओके। और जो ऐसे सर्कुलर मसल भी होंगे ना, सर्कुलर मसल, दोनों टाइप के मसल होने चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, हाँ, ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर कौन से है, ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर थोड़े से लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, और ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो होते हैं वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, ओके, वो सर्कुलर मसल्स होते हैं। और ये तीनों लेयर की हम लोग कंपेयर करें ना, तीनों लेयर कंपेयर करें, ये तीनों लेयर, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया सबसे थिक है, उससे पतला है ट्यूनिका एक्सटर्ना, और उससे पतला है ट्यूनिका इंटरना, थिकनिंग, सबसे सबसे थिक कौन सा होगा, मसल वाला, मीडिया वाला, बीच का, ठीक है, थिकनेस, यस सर। और सबसे पतला क्या होगा, ट्यूनिका इंटरना, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम कॉल्ड एज एंडोथेलियम। सो इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर आपको इतना क्लियर है तो यू कैन थम्स अप, अदरवाइज यू कैन आस्क मी अ डाउट बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट डिटेल। यस, कम ऑन फास्ट। यस, हो गए मैसेज, सॉरी, हो गए आपके थम्स अप, कोई मैसेज नहीं ना? यस, ओके, नो इश्यू, या सो हम लोग आगे जाते हैं, अभी चलेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, यस सर। यस सर। इसमें मैं एक आपको, यस सर, देखो अगर ये छोटा है ना आप तो जूम कर सकते हो आपके स्क्रीन को, मोबाइल को, तो देखो ये तो ये हमने इधर हार्ट लिखा है, हार्ट, तो हार्ट से आपको पता है आर्टरी निकलती है, राइट? यस सर। आर्टरी डिवाइड होती है, आर्टरी डिवाइड होती है उसको बोलते हैं आर्टेरियोल, आर्टेरियोल डिवाइड हो गया तो उसको बोलेंगे कैपिलरी, कैपिलरी यूनाइट होगा तो उसको बोलेंगे वेन्यूअल, वेन्यूअल यूनाइट होगा तो उसको बोलेंगे वेन, ओके। तो ये आर्टेरियोल और वेन्यूअल भी होते हैं, लेकिन वो माइनर ब्लड वेसल होते हैं, मतलब माइनर मतलब क्या है, मतलब मेन ब्लड वेसल नहीं है, मेन क्या है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, और वेन्यूअल भी है और आर्टेरियोल भी है, लेकिन वो मेन ब्लड वेसल नहीं है, ओके। तो इधर मैंने फ्लो चार्ट लिखा है, देखो आर्टरी डिवाइड इनटू आर्टेरियोल, आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड इनटू कैपिलरी, कैपिलरीज यूनाइट, यूनाइट करती है, कन्वर्ज होती है, यूनाइट करती है, एंड दैट गिव राइज वेन्यूअल, और वेन्यूअल यूनाइट करके बनाती है वेन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये जो वॉल्स होते हैं ना, वॉल दैट प्रिवेंट द VLVE वॉल, तो दैट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, वो किसके अंदर होते हैं, आर्टरी के या वेन के, वॉल कहाँ पे होते होंगे, आर्टरी के होंगे अंदर या वेन के अंदर होंगे? देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ मतलब मेरा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? समझाऊंगा आपको, अभी ये ध्यान रखो, इधर ध्यान दो, ये जो वेन होते हैं ना, वेन के अंदर ही वॉल होते हैं। देखो दिख रहा है आपको डायग्राम, जूम करो, ये बी वाला डायग्राम, सॉरी सेकंड वाला डायग्राम, इधर ए और बी डायग्राम लिखा है ना, ऊपर वाला, ऊपर वाला, वो मतलब बोन जैसा लग रहा है आपको, वो जूम करो आप, दिख रहा है क्या, जूम किया गया? हाँ, क्या होता है कि वॉल है, तो वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन, वेन के अंदर होते हैं वॉल्व, और वॉल्व्स क्या करते हैं, एंश्योर
they ensure the one directional unidirectional flow of the blood. मतलब suppose ये कोई suppose ये मैंने diagram बनाया, suppose ये vein है, red में बना हूँ उसको मैं, vein है और ये suppose wall है, ठीक है ना, ये suppose ऐसे wall, तो ये blood यहाँ से यहाँ जा सकता है सिर्फ एक के direction में, क्योंकि अगर ये blood ऐसा उल्टा आ रहा है ना तो वापस से क्या होगा, ये वॉल ऐसे क्लोज होंगे, वॉल क्या होंगे, बंद होंगे, देखो क्लोज होंगे, हाँ, तो ब्लड का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, दो डायरेक्शन में नहीं होता, अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर, यस सर। आर्टरी में कैसे होता है ब्लड का फ्लो, एक डायरेक्शन में होगा या क्योंकि आर्टरी के अंदर वॉल नहीं है ना, तो आर्टरी में कैसे होगा मूवमेंट, एक डायरेक्शन में होगा या दो डायरेक्शन में होगा, दो डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होगा, दोनों में, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो वेन हो, मूवमेंट ऑफ ब्लड का एक ही डायरेक्शन में होना है, तो आर्टरी के अंदर क्यों नहीं है ब्लड, सॉरी वॉल, क्योंकि आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो प्रेशर से होता है, वेन के अंदर प्रेशर कम होता है, आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, इज इट क्लियर? यस सर। अगर प्रेशर से जा रहा है ना तो आपस नहीं आएगा ब्लड, यू अंडरस्टैंडिंग? कितना आपको क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, ये डायग्राम तो हमने पहले भी देखी है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, यस सर, यस सर, पता है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल देखेंगे हम लोग, डिटेल देखेंगे, लेकिन है इधर सिर्फ मैं मतलब आउटलुक ले रहा हूँ उसका, तो आपको पता है कि हार्ट मतलब ह्यूमन हार्ट या मैमल का हार्ट, वो हार्ट है चार चेंबर होते हैं, फोर चेंबर, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, सब आपको पता है राइट, सब पता है, तो मुझे इतना सिर्फ इधर आपको दिखाना है कि इधर जो है वो आर्टरी है, इधर जो है वो वेन है, आर्टरी है मतलब इसका जो ल्यूमेन है ना अंदर का जो नाला मतलब अंदर का जो कैविटी वो छोटा है, ल्यूमेन नैरो है, इसका ल्यूमेन वाइड है, लेकिन दोनों बाहर से सेम लग रही है ना, आर्टरी भी और वेन भी बाहर से सेम, हाँ, तो एक्सटर्नल डायमीटर सेम है, इंटरनल डायमीटर अलग है, वेन का ज्यादा है आर्टरी का कम है, क्लियर? यस सर। तो आर्टरी का कम क्यों होता है डायमीटर, इनर का कम क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है ना उसको प्रेशर चाहिए, प्रेशर चाहिए ना, हाँ, देखेंगे हम लोग अभी, तो अभी हम आर्टरी और वेन का डिफरेंस जानेंगे और थोड़ा अच्छी तरह से, देखो ये स्लाइड आ गई आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, यस सर, देखो आर्टरी क्या करती है, इट मूव और इट फ्लो द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, हार्ट का जो ब्लड है जब हार्ट पंप करता है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हार्ट के अंदर वाला ब्लड आर्टरी में से गुजरता है और बॉडी के वेरियस ऑर्गन को जाता है इंक्लूडिंग लंग्स, लंग को जाएगा और बाकी के सबको सब ऑर्गन या टिश्यू को जाएगा, सो आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। एंड वेन विल कैरी द ब्लड अपोजिट फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट, फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट, तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द आर्टरी जो होती है ना वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और मोस्ट ऑफ द वेन्स होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ओके, लेकिन एक्सेप्शन है, आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी मतलब राइट वेंट्रिकल से लंग में जो आर्टरी जाती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, तो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, और ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग में जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेंगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी,
ओके, और लंग में जो ऑक्सीजन CO2 बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा लंग के अंदर वो हार्ट के अंदर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में वाया पल्मोनरी वेन. तो पल्मोनरी वेन विल कैरी द ब्लड फ्रॉम लंग टू द हार्ट एंड दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. So most of the artery carry oxygenated blood and most of the vein carry deoxygenated blood. Done with me? Yes, sir. Okay. So और एक artery होती है, okay? लेकिन वो हमारे body में नहीं होती, वो embryo के body में होती है. Actually embryo की body की बात नहीं है, placenta, उसको आपको umbilical cord पता है ना, umbilical cord. मैंने diagram बनाया है, आपको दिखा रहा हूँ मैं. इधर मैंने लिखा है, एक रफ डायग्राम निकाला है, अम्बिलिकल आर्टेरिया एंड अम्बिलिकल वेन की बात करेंगे. सपोज ये ना एक कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, इसका ये यूटेरस का वॉल है. आपको पता है कि यूटेरस के अंदर जो बेबी होता है ना, उसको डेवलप होता है यूटेरस के अंदर. तो पहली तो बात ये होती है, एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं प्लासेंटा. तो प्लासेंटा जो होता है उसको एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. पता है ना अम्बिलिकल कॉर्ड, जो ये जो नेवल को कनेक्ट रहती है. यस सर. हाँ, तो सपोज मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, इधर डायग्राम. सपोज इधर ये यूटेरस का वॉल है, ये प्लासेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये जो एम्ब्रियो है अभी उसको अटैच. ठीक है, ये अभी रफ डायग्राम बना रहा हूँ. क्लियर? यस सर. यूटेरस, उसके अंदर ये प्लासेंटा है, और प्लासेंटा को अटैच है ये एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो, और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल उसको बाद में आफ्टर बर्थ काटा जाता है, पता है ना आपको? यस सर. यस सर. अम्बिलिकल कॉर्ड. तो ये क्या होगा कि देखो, आपको पता है कि जब तक इसका डिलीवरी नहीं होगा, जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं होगा, और जब तक ये खुद का सांस नहीं लेगा, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग नहीं करेगा, ओके, बाहर आने के बाद जब वो ब्रीदिंग करेगा तभी उसका लंग काम करेगा, तभी उसके मतलब उसके CO2 वाला जो CO2 होगा वो लंग से बाहर जाएगा और ऑक्सीजन लंग के अंदर आ जाएगा. लेकिन जब तक ये मदर के बॉडी के अंदर है तो तब तक क्या ये ब्रीदिंग करता है क्या? तब खुद ब्रीदिंग करता है क्या? नो सर. नहीं करता. नो सर. लंग से बाहर, नोज के बाहर तो एयर नहीं है ना, एटमॉस्फेयर नहीं ना, सब ये फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है. अंडरस्टूड? तो तब ये एम्ब्रियो या फिटस होता है तब खुद का ब्रीदिंग नहीं करता, लेकिन उसके सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर. हां यस सर. जो जो उसकी मदर सांस लेती है ना, ब्रीद इन करती है, तो ऑक्सीजन चला जाता है उसके बॉडी के अंदर, तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड मदर का ये प्लासेंटा के पास आ जाता है, और मदर का यूटेरस का वॉल है उसके अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसका ऑक्सीजन प्लासेंटा के अंदर जाता है, और प्लासेंटा से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो अम्बिलिकल वेन से कहाँ में जाएगा? अम्बिलिकल वेन से जाएगा. ये रहेगा अम्बिलिकल वेन. ये अम्बिलिकल वेन, ये एम्ब्रियो का हार्ट है, सपोज एम्ब्रियो का हार्ट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल. दिख रहे हैं ना आपको? यस सर. यस सर. आपको पता है कि कोई भी जो ब्लड वेसल जो जो हाँ मतलब ऑक्सीजन जो 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 कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट की तरफ आती है, ब्लड कैरी करती है हार्ट की तरफ, उसको बोलते हैं वेन. और जो ब्लड वेसल हार्ट से दूर ब्लड लेके जाती है उसको आर्टरी बोलती है. तो इधर क्या हुआ, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने कैरी किया? एम्ब्रियो के हार्ट तक अम्बिलिकल वेन ने, और CO2 रिच ब्लड अम्बिलिकल आर्टरी ने कैरी किया प्लेसेंटा तक. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ये हुआ अम्बिलिकल वेन जो ब्लड ला रहा है प्लेसेंटा से एम्ब्रियो के हार्ट तक, और ये है अम्बिलिकल आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रहा है, मतलब लेके जा रहा है एम्ब्रियो के हार्ट से प्लेसेंटा तक. ओके, लेकिन एक ध्यान रखना कि प्लासेंटा होता है ना उसमें ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता, मदर का और फेटस का ब्लड मिक्स नहीं होता, वो बैरियर होता है. ठीक है ना, ब्लड मिक्स नहीं होता, लेकिन मदर के ब्लड का ऑक्सीजन फेटस के ब्लड में जाता है, मदर के ब्लड का न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन
फिटस ब्लड जाता है वाया प्लासेंटा, लेकिन प्लासेंटा में देर इज नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, और मदर और फिटस का जो बॉडी का जो वट एवर द दिस थिंग दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर जो वेस्ट है दैट एंटर फ्रॉम प्लासेंटा इनटू द मैटरनल ब्लड. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. यस. तो आफ्टर आफ्टर बर्थ ना, आफ्टर बर्थ क्या होता है, मतलब बर्थ के बाद पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन काम करती है, और बिफोर बर्थ कौन काम करता है, अम्बिलिकल वेन एंड अम्बिलिकल आर्टरी काम करती है, और दोनों जो होती है ना वो अपोजिट काम करते हैं, मतलब आर्टरी होके भी दे कैरी डिऑक्सीनेटेड ब्लड और वेन होके भी दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट ऑल अदर रेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल दैट इज आर्टरी कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑल अदर रेस्ट ऑफ द वेन कैरी डिऑक्सीनेटेड ब्लड. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. यस सर. यस सर. यस. तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द ब्लड आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड मोस्ट ऑफ द वेन्स एक्सेप्ट अम्बिलिकल वेन एंड पल्मोनरी वेन दे कैरी डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू द हार्ट और दैट यू नो. अंडरस्टूड? तो आर्टरी का जो टिनिका एक्सटर्नल थीन था, देखो एक एक बात करो इधर, ये हमने देखा कि आर्टरी हो या वेन हो वो बाहर से तो सेम लगेगी, सेम दिखेगी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं, कोई ज्यादा मोटी नहीं, पतली नहीं, सेम सेम लगेगी, ओके, एक्सटर्नली. और आर्टरी जो ये इधर ए बना रहा, मतलब आर्टरी, वी मतलब वेन, तो आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होगा और इसका वेन का ल्यूमेन बड़ा होगा. आपको दिख रहा है कि नहीं, क्या लैगिंग हो रहा है? यस सर. नो सर. ओके. तो बाहर से तो सेम लग रही है, लेकिन अंदर का डायमीटर जो है ल्यूमेन का वो वेन में बड़ा है और आर्टरी के अंदर छोटा है. तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो ट्यूनिका इंटरना होगा ना, ट्यूनिका इंटरना वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है ना, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तो ज्यादा पतला नहीं है, ज्यादा थिक नहीं है, दोनों में सेम है. तो ट्यूनिका इंटरना दोनों में उसका थिकनेस सेम होगा, लेकिन ये आर्टरी का जो मसल होगा ट्यूनिका मीडिया वो थिक रहेगा. देखो, ट्यूनिका मीडिया ऑफ द आर्टरी विल बी थिकर. ट्यूनिका मीडिया मतलब मसल वाला लेयर थिक है, इसलिए उसका ल्यूमेन थिन है, ल्यूमेन पतला मतलब कम है. और इधर का जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया, ओके, वो थिन रहता है एज कम्पेयर टू आर्टरी. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? देखो, कुछ रटने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड से सब होगा, कंसेप्ट क्लियर से सब होगा. तो मैंने क्या लिखा, क्या बोला इधर, जो ट्यूनिका मीडिया है, मिडल लेयर है मसल का, वो देखो, आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट होना है. क्यों कॉन्ट्रैक्ट होना है? क्योंकि उसके अंदर से ब्लड जो है ना वो प्रेशर से जाना है. यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. यस सर. अगर ब्लड का प्रेशर आर्टरी में कम होता है तो आर्टरी का वॉल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर आर्टरी के अंदर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ज्यादा होता है, तो आर्टरी का जो वॉल है वो डायलेट होता है. ये तो आपको पता होगा ना? यस सर. ओके. यस सर. इसका मतलब है ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल कौन होता, आर्टरी या वेन? क्या बोला मैंने, ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल कौन होगा, आर्टरी होगा या वेन होगा? देखो, सुनो सुनो, क्या होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आर्टरी से ब्लड बाहर निकलता है, मतलब आर्टरी से ब्लड जाता है. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. यस सर. तो हार्ट जोर से धड़कता है ना, ऐसे रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो जो ब्लड जाता है आर्टरी से उसको प्रेशर होता है. पता है आपको प्रेशर होता है ना? क्यों प्रेशर होना चाहिए? yes, एक डायरेक्शन में वो जाना चाहिए, और स्लो होगा तो ब्लड इफिशियंटली जा नहीं पाएगा टिश्यू तक, बहुत स्लो जाएगा. yes, तो टिश्यू को तो जल्दी yes, जल्दी ब्लड चाहिए ना, क्योंकि जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट चाहिए, जल्दी जल्दी उसको ऑक्सीजन चाहिए, स्लोली नहीं चाहिए, फास्टली फास्टली चाहिए. तो टिश्यू, जो टिश्यू के पास ब्लड जाएगा आर्टरी से, वो रैपिडली जाएगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो धीरे हो जाता है, स्लो होता है किसी किसी बात से, ठीक है ना? यस सर.
तो क्या करना पड़ता है कि आर्टरी का आर्टरी जो होती है ना उसका वॉल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आपको पता है कि आपके नल में आपके पास पाइप है और पाइप से पानी आप छिड़क रहे हो, तो पाइप के मुंह पे अगर अपनी उंगली दबाई तो प्रेशर से पानी आएगा ना बाहर। yes, sir. मतलब yes, sir. जब जब आर्टरी से प्रेशर जो है ब्लड का वो गिर गया है, लेस लो हो गया है, तो आर्टरी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा? जिसका मसल ज्यादा बड़ा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना अच्छी तरह से। yes, हाँ, ऐसे लॉजिकली आप याद रखो, कोई भी मतलब ऐसे मतलब बाहर से याद मत रखो। ओके, तो आर्टरी में प्रेशर जो होगा ना, अगर उल्टा हो गया, अगर आर्टरी के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो क्या होना चाहिए? जो आर्टरी का वॉल है वो क्या होना चाहिए? डायलेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायलेट मतलब अंदर का ल्यूमेन होगा वो बड़ा होगा, और ब्लड का प्रेशर जो मतलब इंक्रीज हुआ है वो डिक्रीज होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ओके, यस, मतलब ब्लड आर्टरी के पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होनी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन हो सकता है अच्छी तरह से? इसके पास मसल ज्यादा हो। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। मसल मतलब ट्यूनिका मीडिया, तो मसल ज्यादा मतलब ट्यूनिका मीडिया थिक किसके पास होगा? आर्टरी के या वेन के? आर्टरी। अभी अभी भी आपको दिक्कत है? अभी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछ लेना प्लीज। तो आर्टरी के अंदर जो मसल होगा ना ट्यूनिका मीडिया, वो थिक होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, ओके, तो आर्टरी के अंदर का जो ट्यूनिका मीडिया है मतलब मसल्स है, स्मूथ मसल, वो थिक होंगे, और वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया क्या होगा? कंपैरेटिवली थिन होगा। इज इट क्लियर? तो ट्यूनिका एक्सटर्नल जो है ना, ट्यूनिका इंटरनल तो सेम ही है लेकिन ट्यूनिका एक्सटर्नल अलग है। देखो, जिसका ट्यूनिका मीडिया थिक होगा उसका ट्यूनिका एक्सटर्नल थिन होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. And vice versa. इसका मतलब क्या होगा कि आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है, उसका ट्यूनिका मीडिया बड़ा है, और ट्यूनिका एक्सटर्नल थीन है, पतला है, और वेन में उसके अंदर का ल्यूमेन बड़ा है, ट्यूनिका मीडिया थीनर है एज कम्पेयर टू आर्टेरियल ट्यूनिका मीडिया, एंड ट्यूनिका एक्सटर्नल थिकर है। इज इट क्लियर? यस। तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा किसमें होता है? आर्टरी में या वेन में? आर्टरी। आर्टरी में होता है। और वेन में क्या होता है? वेन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है? यस सर। यस। यस। ओके। और ल्यूमेन बड़ा किसका होता है? वाइड वेन का, और नैरो किसका होता है? आर्टरी का। कितना सबको क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। और भी बाकी है, स्लाइड आ गए आपके पास? Yes, sir. देखो, yes, sir. हमारी बॉडी की अगर बात करें ना, तो ये स्किन जो हमारी स्किन है, तो स्किन के नीचे क्या होता है? बिलो द स्किन क्या होता है? आर्टेरिया वेन, वेन होते हैं, पता है ना? जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं या जो ये लगाते हैं मतलब सलाइन लगाते हैं ना, आईवी बोलते हैं उसको, आईवी पता है ना आपको, ग्लूकोज चढ़ाते है, तो ये वेन के अंदर चढ़ाते है, उसको बोलते हैं इंट्रावेनस, इंट्रावेनस बोलते हैं ना उसको, आईवी। यस सर। इंट्रावेनस। यस सर। आर्टरी हो बहुत अंदर होती है, डीपली होती है, और वेंस होती है सुपरफिशियली मतलब स्किन के नीचे होती है। अंडरस्टूड? तो लेकिन दो आर्टरी ऐसे है कि जो बहुत डीप नहीं है, डीप बहुत बहुत अंदर नहीं है, वो सुपरफिशियली है, ऐसे दो ही आर्टरी है। उसको पता है ना, डॉक्टर इधर इधर पकड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस रिस्ट को पकड़ते हैं, उधर अपना अपना ये जो पल्स है वो मेजर करते हैं, पता है ना आपको, रिस्ट को पकड़ के। ओके, तो ये जो ये आर्टरी है, ये वेन नहीं है, ये आर्टरी है इधर की। कोई कोई बच्चे देखो, कोई कोई ये काटते भी है सुसाइड के लिए और कुछ भी हो तो ये आर्टरी होती है, राइट? तो ये आर्टरी सुपरफिशियल है, उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। जो रिस्ट में आर्टरी उसको क्या बोलेंगे? रेडियल आर्टरी बोलेंगे। और हमारी जो नेक होती है ना, नेक से ऐसे दो आर्टरी जाते हैं इधर, तो उसको बोलेंगे क्या? कैरोटिड आर्टरी। दे सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन एंड दे गोज टू द ब्रेन थ्रू नेक।
Is it clear? Yes, sir. तो रिस्ट वाली रिस्ट वाली रेडियल आर्टरी और नेक वाली कैरल आर्टरी ये सिर्फ कैसे है सुपरफिशियल है और बाकी सब आर्टरी डीप इनसाइड है. क्लियर इतना? Yes, sir. हमने देखा कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल कौन है, आर्टरी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल है या वेन ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल है? आर्टरी. मतलब इलास्टिक कौन ज्यादा है? इलास्टिक आर्टरी. और कम इलास्टिक कौन है? वेन. इलास्टिक होगी ना तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डायलेटेड भी होगी. यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. बंद होगी तो खुलेगी भी ना, बंद ही नहीं रहेगी. मतलब उसका वो कोलैप्स नहीं होगी. कोलैप्स मतलब क्या? ल्यूमेन का बंद होना, ऐसा चिपक जाना आर्टरी का या कोई भी वेसल का ऐसा चिपक जाना. तो उसका ल्यूमेन बंद हो गया तो उसको कोलैप्स बोलेंगे. तो ये आर्टरी कोलैप्सिबल नहीं है. वेन कोलैप्सिबल होती है क्योंकि उसका वॉल इलास्टिक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं. हैव यू अंडरस्टूड? यस यस. तो हमने अभी भी देखा कि वॉल्स जो है ना, वॉल्स किसके अंदर है? आर्टरी के अंदर एब्सेंट है और वेन के अंदर प्रेजेंट है. क्लियर? यस सर. अब देखो कि मोस्ट ऑफ द आर्टरी के अंदर ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है ना. यस सर. इसलिए उसका उसका कलर जो होता है आर्टरी का वो कैसे होगा? पिंकिश या ब्राइट रेड होगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द वेन्स के अंदर जो होगा वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा तो उसका कलर ब्लूइश होगा या डीप रेड होगा. इज इट डन? यस सर. देखो अगर आर्टरी को कट हुआ तो उसके अंदर से ब्लड आएगा. वो कैसे आएगा? कंटिन्यूस नहीं आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, पल्स में आएगा ना, ऐसे जर्क में. अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि हार्ट पंप करता है ब्लड आर्टरी के अंदर. तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड झटके से बाहर आ जाएगा. एक स्पीड में नहीं होगा, ऐसे ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा. क्लियर? तो जर्की जर्की मूवमेंट होगी. लेकिन वेन के अंदर से अगर वेन कट होती है तो वेन के अंदर से जो खून बहता है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली बहता है. यू अंडरस्टूड? यस सर. ओके ओके. यस सर. ओके. तो हमने क्या क्या देखा आर्टरी और वेन के बारे में? सब डिफरेंस सब सब का आपको क्लियर है क्या? सब कंसेप्ट क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. आपको अगर आर्टरी और वेन और कैपिलरी सबको क्लियर है, आर्टरी और वेन का डिफरेंस क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं. अदरवाइज जो भी समझ में नहीं आया प्लीज यू प्लीज आस्क मी. शगुन कटोच कौन है? शगुन शगुन ये माइक क्यों ऑन है? ये शगुन क्या रेगुलर बच्चा है? वंश वरुण कोई बोले? कभी कभी देखा है. तो ये पहले ऐसा कोई मतलब स्पैम वगैरह करता है क्या? नहीं ना. नो सर. सर इस क्लास में नहीं हुआ. हाँ शगुन क्या हुआ बेटा, आपका माइक क्यों ऑन था भाई? यो माइक वाज ऑन एंड यू वर टॉकिंग टू, यू आर नॉट लिसनिंग हियर. शगुन व्हाट आई एम आस्किंग टू यू, गलती से क्या बेटा? गलती किसकी होती है? जो जो ना समझ होते से उनकी गलती होती है. आप रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो ना. गलती से होगा तो हमें पता चला कि आपका ध्यान नहीं है लेक्चर में. ठीक है आप इधर ध्यान दो. हाँ ठीक है इधर ध्यान दो. पूरा पूरा कोशिश करो ध्यान देने की, ऐसा नहीं होगा. इज दिस क्लियर शगुन? Is it clear to you? Yes. I will not tolerate in my lecture anything except any distraction. क्योंकि इसका कोई use ही नहीं है आपके life में. Discipline तो होना चाहिए. Discipline is most important. Without discipline, we cannot achieve any goal.
ओके, डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, कोई भी चीज ऐसे ऐसे नहीं मिलती. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन आरटीवीज एंड वेंस? मैंने पूरा जितना आपके लेवल को चाहिए था वो सब मैंने क्लियर करवाया है. और ये जो आपके पास स्लाइड आ रही है टाइप की, वो आप पढ़ लेना बाद में, वो सेम ही है. हाँ, सेम ही है जो इधर लिखा है ना, वो सेम ही है उसमें. ओके ओके, थोड़ा आज मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाया, लेकिन क्या आपको समझ में आया क्या? यस सर. यस सर. यस सर. अभी हमारे पास 10-11 मिनट बाकी है, राइट? 9:10 to 10:10 होता है, राइट? यस सर. हम लोग अभी आगे बढ़ते थोड़ा, तो हम लोग अभी जानेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट. वर्टिब्रेट के हार्ट के हम बारे में हम लोग देखेंगे अभी. देखो कि पहले तो हम ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि फाइलम कॉर्डेटा है ना, उसमें क्या है, तीन सब फाइलम होते हैं. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा. इतना आपको सबको क्लियर है क्या? यस सर. ओके, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, उसमें दो सुपर क्लास होते हैं, सुपर क्लास पाइसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा. और सुपर क्लास पाइसेस में दो क्लास होते हैं, एक तो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरा क्लास ऑस्टिक्थिस, मतलब कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश. और टेट्रापोडा के पास चार क्लास होते हैं, एक तो एम्फीबिया, दूसरा हो गया रेप्टिलिया, तीसरा हो गया एव्स एंड फोर्थ हो गया मैमल्स. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, तो दीज आर द, हम इसके हार्ट की बात करेंगे. ये इसका नहीं देखेंगे हम लोग, ये यूरो और सेपलो का नहीं देखेंगे, वर्टिब्रेट का देखेंगे, मतलब फिश से लेके मैमल तक का देखेंगे. ये डायग्राम आ गया आपके स्क्रीन पे. यस सर. यस, देखो अभी. यस सर. डरने की कोई जरूरत नहीं. देखो पहला है फिश पाइसेस, आप जूम कर सकते हो. पहला वो पाइसेस है फिश, तो हमें पता है फिश के पास कितने चेंबर होते हैं हार्ट में? दो चेंबर होते हैं, राइट ना? तो दो चेंबर क्या होते हैं? एक ऑरिकल होता है एंड एक वेंट्रिकल होता है, राइट? एम्फीबिया के पास तीन चेंबर होते हैं हार्ट में, दो एट्रिया होते हैं प्लस एक वेंट्रिकल होता है. क्लियर? यस सर. और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडिलियन, क्रोकोडिलियन छोड़ के बाकी के रेप्टाइल के पास कितने होते हैं? तीन चेंबर हार्ट होते हैं एक्चुअली ना. इसका जो वेंट्रिकल होता है ना, वेंट्रिकल उसके अंदर एक ये होता है, सेप्टम होता है. तो वेंट्रिकल के भी दो पार्ट होते हैं, लेकिन वो मतलब पूरे नहीं होते, तो उसको बोल सकते इनकम्प्लीट फोर चेंबर. वेंट्रिकल के बीच में जो ये सेप्टम है वो पूरा नहीं है, पूरा होता तो फोर चेंबर हो जाते, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा है थ्री चेंबर, तो यू कैन गो विद थ्री चेंबर. बट एक्चुअली क्या होता है, ये इनकम्प्लीट फोर चेंबर बोलते हैं उसको. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ओके, लेकिन यू कैन गो विद योर एनसीईआरटी थ्री चेंबर हार्ट. और आपको पता है बर्ड्स एंड मैमल्स एंड बर्ड्स मैमल्स एंड क्रोकोडिलियन, ये किसमें होता है? ये होगा फिश में, ये होगा एम्फीबियन में, और ये होगा रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडिलियन. क्रोकोडिलियन क्या होते हैं? क्रोकोडाइल्स. और क्रोकोडाइल एलिगेटर जितना भी है ना, उसको बोलेंगे क्रोकोडिलिया, क्रोकोडिलिया बोलेंगे, ठीक है ना? यस. क्रोकोडिलिया. यस सर. क्रोकोडिलिया का मतलब क्या है? क्रोकोडाइल भी है, एलिगेटर भी है, जितने जो क्रोकोडाइल जैसे होते हैं वो सब उसमें. क्लियर? यस. क्रोकोडिलिया थ्री चेंबर हार्ट. और ये क्या है? फोर चेंबर. किसमें होता है? एक क्रोकोडाइल में, क्रोकोडिलियन में होते, क्रोकोडिलिया
caves and mammals, right? Yes sir. और उसके बाद चार चेंबर होते हैं, कौन से? टू ऑरिकल प्लस टू वेंट्रिकल. इतना सबको क्लियर हो गया? ओके, अभी हम एक एक की बात करेंगे. यस सर. देखो, अब पहली एक बात है कि हार्ट के जो पार्ट होते हैं ना, वो दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट को बोलते हैं मेन चेंबर और दूसरे पार्ट को बोलते हैं एसेसरी चेंबर. मेन चेंबर होते हैं और एसेसरी चेंबर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ मेन चेंबर की बात करेंगे क्योंकि हमें इतना अभी तो एमबीबीएस नहीं करना है, इतना डिटेल नहीं देखना है, या अभी कोई एनिमल का हायर लेवल का भी नहीं देखना है. तो हम मेन चेंबर दो टाइप के होते हैं. दो टाइप बोला, टू टाइप्स, टू इन नंबर नहीं, क्योंकि उसका नंबर अलग अलग है. किसी में एक ही वेंट्रिकल है, किसी में दो, एक एट्रियम है, किसी में दो एट्रिया है, किसी में एक वेंट्रिकल है, किसी में दो वेंट्रिकल है. तो ये नंबर ऑफ वेंट्रिकल की बात नहीं कर रहा, ऑरिकल वेंट्रिकल की टाइप बोल रहा हूँ. तो मेन चेंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो एट्रियम, अगर ज्यादा है तो एट्रिया बोलते हैं, या उसको और एक नाम है ऑरिकल, ज्यादा है तो ऑरिकल्स बोलते हैं, वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकल या वेंट्रिकल्स बोलते हैं. ज्यादा है तो वेंट्रिकल्स, एक से ज्यादा है, एक ही है तो वेंट्रिकल. इतना क्लियर आपको? यस सर. ये हम लोग नहीं देखेंगे, इम्पोर्टेंट फॉर नीट, इसमें नहीं जाएंगे. क्लियर? यस सर. ओके. अभी हम लोग एक एक की बात करेंगे, पहले तो फिश की बात करेंगे. फिश, यस, कोई डाउट है? नो सर. देखो, थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं इतना तो फिश, एक दो तो डायग्राम बनी. देखो, फिश में क्या होता है कि जो हार्ट होता है ना, वो हार्ट में दो चेंबर होते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है. तो ये फिश का हार्ट है, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, या ऑरिकल या एट्रियम. तो आपको पता है कि एट्रियम के अंदर जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा. कैसे होगा? डीऑक्सीनेटेड. और वो बॉडी टिश्यू से आएगा, तो बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा एट्रियम में, एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा ये ब्लड गिल्स में जाएगा. किधर जाएगा? गिल्स में जाएगा. और गिल्स में क्या होगा? उसका CO2 बाहर निकलेगा और O2 अंदर आएगा, और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा बॉडी के ऑर्गन तक. तो बॉडी उसका ऑक्सीजन यूज करेगी, CO2 बनाएगी, CO2 वापस ब्लड को देगी, वो ब्लड वापस जाएगा एट्रियम में. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? हाँ. ओके. तो क्या होता है कि बॉडी से हार्ट तक, हार्ट से गिल्स तक, इतना ध्यान रखो, बॉडी से हार्ट तक, हार्ट से गिल तक. तो बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन यूज करती है ना बॉडी के टिश्यू, और CO2 प्रोड्यूस करते हैं. तो जो ब्लड बॉडी से हार्ट में आएगा वो कैसे आएगा? DO2 आएगा. कैसे आएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, राइट? यस. ओके. क्योंकि वो बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है. बॉडी ने क्या करा था? बॉडी ने अपना ब्लड का ऑक्सीजन अपने पास लिया था और अपना CO2 ब्लड को दिया था टिश्यू ने. हमने देखा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ने देखा है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू. देखा है कि नहीं देखा? यस. ओके. तो बॉडी के पास जो ऑक्सीजन गया था, वो ऑक्सीजन बॉडी ने यूज करा और ब्लड वापस क्या दिया? CO2. तो वो CO2 वाला ब्लड, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर आया? हार्ट में आया. तो हार्ट में दो ही चेंबर है, एक तो होता है एट्रियम, दूसरा होता है वेंट्रिकल. दो मेन चेंबर है. तो एट्रियम क्या होते हैं? एट्रियम इज अ रिसीविंग चेंबर, ये ब्लड को लेता है अपने अंदर, और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, पंपिंग होता है. एट्रियम रिसीविंग चेंबर, वेंट्रिकल पंपिंग चेंबर होता है. ओके. तो वेंट्रिकल में ब्लड गया, वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, तो किधर गया ब्लड? बॉडी के पास गया क्या? बॉडी के पास नहीं जाएगा ना, क्योंकि बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, और अभी वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, उसमें CO2 है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है. तो वो ब्लड हार्ट से या वेंट्रिकल से जाएगा गिल्स में, गिल्स में हो जाएगा उसका ऑक्सीजनेशन, और गिल्स से बॉडी के पास आ जाएगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट?
यस सर। ओके यस सर। ये है ना सिंगल सर्कुलेशन है। देखो हार्ट से बॉडी, बॉडी से गिल्स, गिल्स से बॉडी, बॉडी से हार्ट, मतलब एक सर्कुलेशन में एक बार जो पूरा घुमा तो एक ही बार, मतलब जब ब्लड घूम रहा है ना, सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, तो एक ही बार जा रहा है हार्ट से, तो उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोल देंगे? सिंगल सर्कुलेशन। तो जो हार्ट में ब्लड आता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। और हार्ट से पंप होता है वो कैसा होता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? अरे हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो कैसे होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट में ब्लड जो आता है वो भी डीऑक्सीजनेटेड, हार्ट जो पंप करता है वेंट्रिकल से पंप होता है वो भी डीऑक्सीजनेटेड। मतलब हार्ट के अंदर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट के अंदर जो है एट्रिया के अंदर वेंट्रिकल के अंदर वो क्या है, डीओ2 ब्लड है ना? यस सर। यस सर। उसको बोलते हैं वीनस ब्लड। वेन पता ना, वेन के अंदर क्या होता है? यस सर, डीऑक्सीजनेटेड। यस सर। तो ये तो वेन नहीं है लेकिन उसको बोलेंगे वीनस ब्लड, इसलिए उसको बोलेंगे वीनस हार्ट। क्या बोलते हैं उसको? वीनस हार्ट। हार्ट का शेप कैसा है, ट्यूब जैसा है ना? यस सर। तो उसको बोलेंगे ट्यूबुलर हार्ट। क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर हार्ट बोलेंगे। क्लियर? यस सर। यस सिंगल सर्कुलेशन लिखता हूँ मैं इधर। और इधर एक बात और मुझे लिखनी चाहिए थी। देखो तो एट्रियम क्या होता है, रिसीविंग चेंबर। क्या होता है ये? ब्लड चेंबर, रिसीविंग चेंबर। क्या बोलिए, रिसीविंग चेंबर। इसको क्या बोलेंगे, ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर या ब्लड पंपिंग चेंबर। ब्लड पंपिंग, पंपिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्लियर आपको इतना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके आपको क्लियर, तो आप थम्स अप कर सकते हो। यस यस, कम ऑन फास्ट। ओके अच्छा, गुड नाइट, मिलते कल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। यस गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। यस गुड नाइट। यस वेलकम एंड थैंक यू आल्सो।